तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं बेंटन यूनिवर्स के काफी यूनिक टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अभी तक लगभग किसी ने भी बात नहीं की होगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ह्यूमंगस सोर वर्सेस एक्वेको की बैटल के बारे में। और आपको बता दूं कि ये दोनों एलियन एक साथ एक ही सीरीज में हमें देखने को मिले थे, जब बेंटन एलियन फोर्स की स्टार्टिंग हुई थी और बेंटन की ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो गई थी। उस टाइम पे बेन के पास बेंटन के क्लासिक वाले जो एलियंस थे वो रिमूव हो गए थे और बेंटन की ओमनीट्रिक्स में काफी फ्रेश न्यू एलियंस आ गए थे, जिनमें ह्यूमंगस और एक्वेको शामिल थे। आज हम इन दोनों करेक्टर की आपस में बैटल कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, और इन दोनों के अल्टीमेट वर्जन को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों करेक्टर की नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों करेक्टर के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्वेको से। एक्वेको हमें फर्स्ट टाइम बेंटन एलियन फोर्स में ही देखने को मिला था। इसकी पावर एबिलिटीज की बात कर ली जाए तो इसके पास अपने क्लोन क्रिएट करने वाली पावर है और ये काफी ज्यादा क्लोन क्रिएट कर सकता है। वहीं पे इसके पास एक कोर पावर है जिसको आप लोग सुपरसोनिक साउंड के नाम से जानते हो। इस सुपरसोनिक साउंड का यूज करके एक्वेको अपने ओपोनेंट्स को इजिली डिफीट कर देता है, क्योंकि इसका साउंड इतना पावरफुल होता है कि ओपोनेंट जो एक जगह पे बेहोश हो जाता है और बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब बात करें ह्यूमंगस सोर के बारे में, तो हमें देखने को मिला कि बेंटन एलियन फोर्स में जब ह्यूमंगस सोर की पावर्स के बारे में हमें पता लगा था, उस टाइम पे ह्यूमंगस सोर के पास अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस थे। इसका स्टेमिना लेवल काफी ज्यादा था और इसकी सबसे मेन पावर की बात करें तो ह्यूमंगस सोर अपनी हाइट को लगभग 60 फीट बढ़ा सकता है, यानी कि अपने नॉर्मल साइज को काफी बड़ा कर सकता है। तो ये सब थी ह्यूमंगस सोर और एक्वेको की पावर एबिलिटी। अब बात करते कि इन दोनों के नॉर्मल फॉर्म्स में अगर ये बैटल होती है तो विनर कौन होगा। देखो गाइज, यहाँ पे ह्यूमंगस सोर अपनी हाइट को लगभग 60 फीट बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि इन दोनों करेक्टर में बैटल हो जाए तो यहाँ पे इस बैटल का विनर कौन होगा। अब यहाँ पे सुपरसोनिक साउंड के हिसाब से देखा जाए तो एक्वेको इस बैटल में ह्यूमंगस सोर को डिफीट कर सकता है, क्योंकि इन दोनों करेक्टर की जो ड्यूरेबिलिटी लेवल है वो काफी कम है। अगर इन पे ज्यादा पंचेस किए जाए तो इजली इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और अगर हम ह्यूमंगस सोर की बड़े साइज वाली बॉडी पे भी अटैक करें तो तुरंत ह्यूमंगस सोर जो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल काफी कम है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमंगस सोर के सामने एक्वेको अपने सुपरसोनिक साउंड का यूज करे तो हो सकता है कि एक्वेको इस बैटल में जीत सकता है, क्योंकि गाइज ह्यूमंगस सोर की ड्यूरेबिलिटी एक्वेको की तरह काफी कम है और एक्वेको की भी ड्यूरेबिलिटी काफी कम है। अगर ह्यूमंगस सोर अपने लार्ज साइज का यूज करे तो एक्वेको के काफी सारे क्लोन्स को इजिली डिफीट कर सकता है, लेकिन एंड में इस बैटल का जो विनर होगा वो होगा एक्वेको, क्योंकि एक्वेको काफी सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जबकि ह्यूमंगस सोर बैटल के दौरान अपने साइज को थोड़ी देर के लिए लार्ज कर पाएगा, क्योंकि गाइस एक्वेको जब उस पे अटैक करेंगे तो ह्यूमंगस सोर का बैटल के दौरान जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर नॉर्मल वर्जन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक्वेको ह्यूमंगस सोर को डिफीट कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों एलियन के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि इनमें से किसका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा पावरफुल है। तो बेंटन अल्टीमेट एलियंस में इन दोनों के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले थे। एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ह्यूमंगस सोर के बारे में। तो ह्यूमंगस सोर जब अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, यानी कि अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर बनता है, उस टाइम पे इसकी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। इसकी बॉडी पे काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर आ जाता है। इसकी बॉडी का जो साइज है वो लगभग 20 फीट हो जाता है और इसकी जो टेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसका यूज करके अपने ओपोनेंट पे अटैक भी कर सकता है। और इसकी जो सबसे मेन पावर है वो है मिसाइल शूट करना, जिसकी मदद से गाइस ये अपने ओपोनेंट को ब्लास्ट तक कर सकता है। अब बात करें अल्टीमेट एक्वेको के बारे में। तो जब नॉर्मल एक्वेको अल्टीमेट एक्वेको बनता है, उस टाइम पे अपने क्लोन्स क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन ये सुपर सोनिक साउंड का यूज कर सकता है और इसके पास अपनी काफी सारी डिस्क होती है इसकी बॉडी पे, जिन सारी डिस्क पे इसके फेसेस बने होते हैं, और उन डिस्क के ये काफी ज्यादा क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, यानी कि अपनी बॉडी के जो है क्लोन्स क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी बॉडी पे जो डिस्क होती है उनका यूज करके काफी सारे डिस्क के क्लोन्स क्रिएट कर सकता है अल्टीमेट एक्वेको। और अल्टीमेट एक्वेको की ये सारी डिस्क जो है वो काफी ज्यादा सुपर सोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसका जो ओपोनेंट है वो लगभग इसके सामने टिक नहीं पाता और इजिली डिफीट हो जाता है। अब बात करें कि इन दोनों करेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इनके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाने के बाद इन दोनों एलियन में कौन ज्यादा पावरफुल एलियन है। तो हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में अल्टीमेट केविन देखने को
मिला था जिसके पास बैन के काफी सारे एलियंस की पावर थी। अब उसकी जो बैटल है वो बेंटन के इन दोनों एलियंस के साथ हुई थी, जहाँ पे अल्टीमेट ह्यूमंगस और के साथ जब अल्टीमेट केविन की बैटल हुई थी उस टाइम पे अल्टीमेट केविन ने अपने एक पंच का यूज करके इजिली अल्टीमेट ह्यूमंगस और को डिफीट कर दिया था। जबकि अगर बात कर ली जाए अल्टीमेट एक्वेको की, जब अल्टीमेट एक्वेको के साथ अल्टीमेट केविन की बैटल हुई थी उस टाइम पे अल्टीमेट एक्वेको ने इजिली डिफीट कर दिया था और लगभग उसे जान से भी मार दिया था। बाद में ग्वेन अल्टीमेट केविन को बचा लेती है। तो इस चीज से हमें पता लग जाता है कि अल्टीमेट एक्वेको अल्टीमेट ह्यूमंगस और के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर अल्टीमेट ह्यूमंगस और की बैटल अल्टीमेट एक्वेको के साथ होती है तो अल्टीमेट एक्वेको थोड़े ही टाइम में अल्टीमेट ह्यूमंगस और को इजिली डिफीट कर सकता है। तो बेंटन की इन दोनों एलियन में मुझे लगता है कि एक्वेको और अल्टीमेट एक्वेको नॉर्मल ह्यूमंगस और अल्टीमेट ह्यूमंगस और से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इन दोनों करेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा एलियन ज्यादा पावरफुल है। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग को ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।